एक मदरसे में पढ़ने वाले छात्र का शव संदिग्ध हालत में फंदे से लटके मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। छात्र के कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है। वहीं घटना के बाद से मदरसे में हड़कंप मच गया है। भगवानपुर स्थित मदरसा हिलायतुल उलूम में छात्र मोहम्मद इजाम निवासी काशीवारी थाना जोकीहाट जिला बिहार पढ़ाई कर रहा था। बुधवार करीब 2:30 बजे छात्र का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला। मदरसे के मौलाना मोहम्मद राशिद ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षण अमरजीत सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को फंदे से नीचे उतरवाया। प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया कि छात्र के कमरे से सुसाइड नोट मिला है। इसमें मैं इस संसार से जुदा हो रहा हूं और मेरे लिए दुआ करते रहना लिखा हुआ है। छात्र के परिजनों को सूचना दे दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। उन्होंने बताया कि छात्र की मौत के मामले में सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।